Hello, my little kids. How are you? I hope you all are very good, fit and fine. So today we are going to a continue portion of that workbook solution on which are given on page number 34 in English Marigold. Okay, that is the workbook solution of make it shorter workbook solution which are given on page number 34. In this chapter, that Akbar and Birbal chapter, that is a continue portion of our English Marigold. So आज हम इसका जो वर्कबुक सॉल्यूशन है पेज नंबर 34 वहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं. सो ईयर वन स्मॉल स्टोरी इज गिवन. सो फर्स्ट इसको अच्छे से समझते हैं, फिर इसके क्वेश्चन आंसर हम सॉल्व करेंगे इन द वर्कबुक. स्टार्ट करते हैं द फॉक्स एंड द क्रेन. तो यहाँ पे एक स्टोरी है, किसकी स्टोरी है? फॉक्स एंड क्रेन की स्टोरी है. फॉक्स मतलब जो लोमड़ी होता है उसे हम फॉक्स कहते हैं और गुजराती में उसे हम सियार भी कहते हैं. और क्रेन, क्रेन मीन्स क्रेन, ये जो आपको दिख रहा है पिक्चर के अंदर क्रेन, इसको हम हिंदी में कहते हैं सारस और गुजराती में हम इसे कहते हैं बगला. ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टोरी रीड करने वाले हैं फॉक्स एंड क्रेन की. बेटा यहाँ पे आपको पता है ना फॉक्स कौन है? यहाँ पे देखो मैं आपको बताता हूँ, ये है हमारा फॉक्स और ये है हमारी क्रेन. तो इन दोनों की अच्छे से हम स्टोरी रीड करते हैं. चलो स्टार्ट करते हैं स्टोरी. तो स्टोरी के अंदर हमें ये बताया गया है, पहले स्टार्ट करते रीड करते हैं. देयर वॉज अ फॉक्स लाइव इन अ जंगल. अ क्रेन वॉज हिज बेस्ट फ्रेंड. सम टाइम दे वेंट टू ईच अदर्स होम टू ईट. एक दिन की बात है, ये जो क्रेन है या फॉक्स है वो एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड थे. दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड तो है बट साथ में इतने अच्छे फ्रेंड है कि कभी कभी एक दूसरे को घर पे खाना खाने के लिए भी बुलाते हैं. आप भी अपने फ्रेंड को एक दूसरे के घर पे खाना खाने जाते हो ना, आपका कोई स्कूल का अच्छा फ्रेंड होगा तो कभी कभी वो आपको इन्वाइट करता होगा कि आप भी मेरे घर पे आओ, कभी हम साथ में खेलेंगे, कुछ टाइम स्पेंड करेंगे और वहाँ पे खाना भी खाएंगे. ठीक है, तो ये जो क्रेन है ये फॉक्स है, दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड है. तो फॉक्स कहता है क्रेन, प्लीज़ मेरे घर पे आना, हम वहाँ पे साथ में बैठ के खाना खाएंगे. ठीक है, सो वन डे द फॉक्स सेड माय डियर क्रेन प्लीज़ कम होम फॉर डिनर. द क्रेन वॉज हैप्पी, ही सेड यस आई विल कम. तो जैसे ही क्रेन ये सुनती है ना कि फॉक्स ने मुझे इनवाइट करा है उनके घर पे खाना खाने के लिए, तो वो बहुत ही खुश होती है. उनको बहुत अच्छा फील होता है कि आज तो शाम को मैं डिनर के लिए जाऊँगी. डिनर का मतलब क्या होता है? डिनर का मतलब जब शाम को हम जो मील खाते हैं ना, जो भी हम खाना शाम को खाते हैं उसे हम डिनर कहते हैं, और जो आफ्टरनून में खाते हैं सुबह का खाना तो उसे हम कहते हैं लंच, और जो सुबह में अर्ली मॉर्निंग हम खाते हैं उसे हम ब्रेकफास्ट कहते हैं. तो डिनर के लिए इन्वाइट करा है फॉक्स ने क्रेन को. द क्रेन रीच द फॉक्स हाउस फॉर डिनर. और फिर क्या होता है, जैसे ही शाम होती है क्रेन फटाफट से फॉक्स के घर पे डिनर लेने के लिए जाती है, खाना खाने के लिए. तो फॉक्स सर्व खीर इन अ फ्लैट डिश. और ये जो फॉक्स होता है उन्होंने क्या बना के रखा था पता है आपको? एक खीर बना के रखी थी, स्वीट डिश जिसे हम कहते हैं. खीर सबको पसंद है ना, खीर किसे कहते हैं पता तो है ना, जो दूध के अंदर अच्छे से राइस को मिक्स करा जाता है, उसके अंदर से स्वीट स्वीट जूस मिल के हम अच्छे से अंदर नट्स डालते हैं, उसके अंदर छोटी छोटी द्राक्ष डाली जाती है जिसे हम पीनट्स कहते हैं. तो ये सब कुछ डालने के बाद अच्छी सी खीर प्रिपेयर होती है, स्वीट स्वीट खीर. देखा ना, उनका नाम सुन के ही हमारे मुंह में तो पानी आ रहा है. तो ये अच्छी सी स्वीट खीर बना के रखी थी किसने? फॉक्स ने. किसके लिए? क्रेन के लिए. बट यहाँ पे ये जो क्रेन है, ये जो फॉक्स है ना, वो बहुत अजीब सा था. फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड कहता था क्रेन को, बट ये बहुत ही अजीब सा था. हमें पता है कि ये जो फॉक्स होते हैं ना वो बहुत ही क्यूनिंग होते हैं. क्यूनिंग मतलब वो बहुत ही चालाक चतुर होते हैं, बहुत ही चालाक होते हैं. इसने क्या करा पता है? खीर तो बनाई है बट खीर एक ऐसी डिश में रखा है जिसे हम कहते हैं फ्लैट डिश. फ्लैट डिश का मतलब होता है ये इसका जो ऊपर, ये जो ऊपर ऊपर वाला जो माउथ होता है ना इस डिश का, ध्यान से देखो इस डिश को, ये पूरा ओपन होता है, इस प्रकार का होता है पूरा, है ना. अब ये बेचारा जो ये है ना क्रेन, इसकी बीक देखो, बीक मतलब ये चांच होती है ना, इसे हम बीक कहते हैं, ये कैसे इसको अंदर खा पाएगी? ये तो अंदर खा ही नहीं पाएगी ना, क्योंकि अंदर तो डाल देगी फिर, बट इसको खा कैसे पाएगी खीर को? तो ये जो है ना, ये बहुत ही क्यूनिंग है. कौन? ये जो चतुर लोमड़ी, इसे हम सियार कहते हैं, ये बहुत ही चतुर है. बेचारे को खाना तो दे दिया बट बेचारी ये खा कैसे पाएगी ये तो उसने बताया नहीं. अब क्या होगा, चलो आगे देखते हैं. फिर क्या होता है इसके अंदर? द फॉक्स सर्व द खीर इन अ फ्लैट डिश. अब फ्लैट डिश में तो बेचारी खा ही नहीं पाएगी, वो तो सोचने में पड़ गई. द क्रेन हैड अ लॉन्ग बीक, हैड अ लॉन्ग बीक, ही कुड नॉट ईट द खीर. द फॉक्स स्टार्टेड लिकिंग द खीर फ्रॉम द डिश. और ये फटाफट फॉक्स ने सारी खीर वहाँ पे ख़त्म कर दी और वो बेचारी क्रेन खीर खा ही नहीं पाई.
द क्रेन डिड नॉट लाइक दिस, क्रेन को ये पसंद ही नहीं आता. ही वॉज एंग्री, एंग्री मीन्स गुस्सा हो जाना, वो बहुत ही गुस्सा हो जाती है. ही रिटर्न होम हंग्री, और वो भूखी, हंग्री का मतलब होता है भूखा, तो वो बेचारी भूखी ही घर पे चली जाती है. देन द क्रेन वॉज सो एंग्री दैट ही वॉन्टेड टू रिवेंज. ओके, अब क्रेन को बहुत ही गुस्सा आता है. वो कहता है कि अच्छा बच्चू, तूने मेरा मजाक बनाया है ना, तूने मुझे खीर नहीं खिलाई, अब तो मैं तेरे से बदला लेके रहूंगा. रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना. आफ्टर सम डेज ही सेड टू द फॉक्स, कुछ दिनों बाद ये जो क्रेन होती है ना, वो फॉक्स को कहती है प्लीज कम होम फॉर डिनर, प्लीज मेरे घर पे आना, आज आपके लिए मैंने डिनर बनाया है. ठीक है, द फॉक्स वॉज हैप्पी, ये सुन के फॉक्स के मुंह में पानी आता है, आज तो मैं बहुत अच्छा सा खाना खाने वाला हूँ. ही सेड यस आई विल कम, ये कहता है कि जरूर मैं तो आपके घर पे खाना खाने के लिए आऊंगा. द फॉक्स रीच द क्रेन्स हाउस फॉर डिनर, और ये जो फॉक्स होता है ना, वो जल्दी से कहाँ पे पहुँचता है, क्रेन के घर पे पहुँचता है खाना खाने के लिए. द क्रेन सर्व्ड खीर इन अ जग, और ये देखो जग के अंदर अब क्रेन ने खाना रखा है. अब खा भाई, अब वो फॉक्स कैसे खा पाएगा. द फॉक्स कुड नॉट पुट हिज माउथ इनटू द जग, और जग के अंदर बेचारा अपना मुंह डाल ही नहीं पाता, क्योंकि उसका मुंह होता है बड़ा और जग का मुंह होता है बहुत छोटा सा. बट द क्रेन हैड अ लॉन्ग बीक, और ये जो क्रेन है उसकी तो छोटी सी ये इसकी नेक बीक होती है वो बहुत ही लंबी सी होती है. अब वो आराम से अपने बीक को अंदर डालती है जग के अंदर. सो ही एट ऑल द खीर फ्रॉम द जग, और आसानी से सारी खीर खा लेती है. द फॉक्स डिड नॉट लाइक दिस, और फॉक्स को ये देख के अच्छा नहीं लगता. बट ही न्यू दैट ही हैड मेड मिस्टेक, ही सेड माय डियर क्रेन आई एम सॉरी फॉर दैट डे. ओके, और तुरंत उस फॉक्स को उस दिन की बात याद आ जाती है जब उन्होंने इस बेचारे क्रेन का मजाक बनाया था, बेचारे को फ्लैट डिस्क के अंदर खीर दे दी थी और वो खा ही नहीं पाई थी. फिर उसको वो बात याद आती है और क्रेन कहता है माय डियर क्रेन, सॉरी ये यहाँ पे फॉक्स कहता है माय डियर क्रेन आई एम सॉरी फॉर दैट डे, वो कहता है उस दिन के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ. द क्रेन सेड डोंट मेक दिस मिस्टेक अगेन, तो क्रेन कहता है चलो चलो कोई बात नहीं, बट आगे से ये गलती होनी नहीं चाहिए, अगर ये गलती हुई ना फिर देख लेना, फिर से रिवेंज लेने के लिए तैयार रहना. द फॉक्स एंड द क्रेन बिकेम फ्रेंड्स अगेन, और फिर से वो एक दूसरे के फ्रेंड बन जाते हैं. ओके, तो दिस इज द स्टोरी विच आर गिवन ऑन द पेज नंबर 34 इन योर इंग्लिश मैनुअल टेस्ट वर्क बुक. नाउ वी आर गोइंग टू एंडिंग हियर, इन नेक्स्ट सेशन वी विल मीट एंड टॉकिंग अबाउट हियर क्वेश्चंस आंसर. सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर.